नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। यूपी में त्रिस्तरीय चुनावों का शंखनाद हो चुका है। देश में गांव की सबसे छोटी सरकार बनने जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय करीब आते ही उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है। कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके उम्मीदवार भी चुनावी रण में उतर चुके हैं, तो वही कई नए चेहरे अपनी उम्मीदवारी को लेकर सामने आए हैं। प्रत्याशियों में रैलियों का दौर भी जारी हो चुका है। गाँव में उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर घरों की दीवारों से लेकर चौक चौराहों तक लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है और चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के टंडवा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों से उन्होंने जिला पंचायत प्रत्याशियों को लेकर खुलकर बात की। तो चलिए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है हमारी इस खास रिपोर्ट में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संशोधित सूची जारी होते ही चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं। आरक्षण बदलने की सूचना मिलते ही कुछ प्रचार का काफिला लेकर आधे रास्ते से लौट गए हैं, तो किसी ने गैराज से ई रिक्शा निकाल कर फिर चुनावी बुगल फूंक दिया है। इसी के साथ गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदवार की जीत और हार की गणित लगना भी शुरू हो गया है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ही राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हुए प्रत्याशी गांव की छोटी सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उन दावों पर खरा उतरना भी गांव के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। वही गांव-गांव में लोगों के बीच विकास का संदेश फैलाया जा रहा है। इसी के साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के तड़वा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से जिला पंचायत प्रत्याशियों को लेकर खुलकर बात की। प्राइम टीवी की कवरेज लगातार जारी है। आज हम सूरतगंज ब्लॉक के तड़वा गांव पहुंचे हैं और यहां से डॉक्टर राजेश कुमार सूरतगंज चतुर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का। पब्लिक हमारे पीछे मौजूद है और हम जानेंगे कि पब्लिक की क्या राय है डॉक्टर राजेश यादव के बारे में, क्योंकि वो समाज सेवी के रूप में और डॉक्टर भी हैं, तो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और जो है लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराए रहते हैं। हम गांव की जनता से जानेंगे उनके बारे में क्या विचार है और इस बार क्या वर्चस्व है उनका चुनाव में। क्या नाम है चाचा आपका, तेज बोलिएगा। बहादुर, बहादुर। बहादुर नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तड़वा। तड़वा के रहने वाले? डॉक्टर राजेश यादव हैं? हाँ हाँ। कैसे इंसान है वो? बढ़िया है जी। इस बार जिला पंचायती लड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका उनके बारे में? उनका वार्ड देंगे। हाँ, वोट नहीं देंगे इस बार, मन बना लिए? हाँ। इंसान कैसे है वो? इंसान बढ़िया है। अच्छा, क्या कम जाते रहते हैं लेकिन? हाँ, जाते हैं। अच्छा, आते हैं क्षेत्र में? आते हैं, आते हैं। दवा देने आते हैं? हाँ, दवा देने आते हैं। तो और भी लोग हैं जो ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। चाचा आपका क्या नाम है? राम सागर। नाम कहाँ के रहने वाले? तड़वा के रहने वाले। क्या डॉक्टर राजेश यादव के बारे में क्या विचार है आपके? बढ़िया है। हाँ, और आते हैं। हाँ, इलेक्शन सब लड़ते हैं, नहीं आते हैं, नहीं से तभी आते हैं। अच्छा, बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। क्या गांव वालों क्या सुविधाएं देते हैं? विचार बढ़िया उनका। हाँ, अच्छा, मन बना ली है जनता इस बार? क्या मन बनाई? जिला पंचायती लड़ रहे हैं वो? अच्छा, वो क्षेत्र में विकास होगा अगर वो आते हैं तो क्षेत्र में विकास होगा? हाँ, इससे पहले गांव में विकास हुआ है कुछ? होगा, इससे पहले हुआ है जब वो उनके ना होते हुए जो जिला पंचायत है उन्होंने कुछ विकास किया गांव में? हाँ, तो नहीं करी, कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करी। अच्छा अच्छा, अब जी जो हाल के रहा है। हाँ, है तो क्या करें, जो भाज है तो क्या करें। अच्छा, स्कूलों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? स्कूलों के ऊपर चल रहा है। पंचायत चुनाव में मैदान बदलते ही सियासी घमासान और कड़ा होने की आहट सुनाई पड़ने लगी है। गांव में बैनर पोस्टर घरों की दीवारों से लेकर चौक चौराहों तक टंगे नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार अपना पोस्टर टांग कर प्रचार कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के बीच भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। हर गांव में सुबह शाम चाय की दुकानों पर चौक चौराहों तक
चुनावी चर्चा का शोर है और ग्रामीणों की गोष्ठी भी खूब लग रही है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से जिला पंचायत के लिए बेहतर विकल्प जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ना हमको फिर राजेश यादव को वोट देना है। अच्छा, ऐसा क्यों? राजेश यादव ही क्यों, और भी प्रत्याशी हैं? और प्रत्याशी हैं, लेकिन ये हमारे नजदीकी हैं। अच्छा, और पहले मतलब डॉक्टर भी हैं। हाँ। और जिला पंचायत हो जी हैं, तो दोनों सेवाएं हमारे लिए मतलब उपलब्ध हो जी हैं। अच्छा, क्षेत्र में ये जिला पंचायत ना रहते हुए भी मौजूद रहते हैं। मानना ठीक है कि जो राजेश यादव हैं, हाँ, उनको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ, जनता के बीच में क्या बने रहते हैं क्या? हाँ हाँ, वो आवा करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, पूरे क्षेत्र। किसके बारे में? जनता का सोच है राजेश यादव। ऐसा क्यों? अरे वो अच्छे आदमी इंसान है जनता के बीच में। उनके बारे में आप, वो डॉक्टर है, हाँ, बिलारिया में रहते हैं, हाँ, मान लो हम लोग वहाँ दवा लेने जाते हैं, अच्छे इंसान हैं, हाँ, वोट लड़ रहे हैं तो मिलेगी उनको। हाँ, आज हम तड़वा गांव पहुँचे थे, ये सूरतगंज ब्लॉक में पड़ता है, और यहाँ से जो जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर राजेश लड़ रहे हैं सूरतगंज चतुर्थ से, साफ तौर पर जनता का कहना है कि जो डॉक्टर राजेश यादव हैं वो बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान हैं और लगातार वो जनता के बीच में बने रहते हैं और डॉक्टर बनके सेवा कर रहे हैं। अगर वो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो गांव के अंदर विकास होगी, गांव उन्नति करेगा और साथ ही साथ में और अच्छे से गांव वालों की सेवा कर पाएंगे। कैमरामैन अनुराग गुप्ता के साथ रहा। तो पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में किस कदर जोश है और ग्रामीणों का क्या कुछ राय है इन प्रत्याशियों को लेकर, ये अभी आपने जाना कि बाराबंकी से हमारे संवाददाता ने जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ली तो आपने सब कुछ देखा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरें लेकर। देखते रहिए प्राइम टीवी।